तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं यानी कि WH वर्ड से यहाँ पर सेंटेंस बनाया हुआ है यानी कि ये पूछने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग इसको कैसे पूछेंगे और किस तरह से बोलते हैं ये आप लोगों को मैं आज बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या है, जैसे हिंदी में क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, आप इसको व्हाट्स द मैटर भी बोल सकते हैं यानी कि क्या मजरा है जैसे बोलते हैं उस तरह से। व्हाट्स द मैटर, तुमसे किसने कहा, हु टोल्ड यू यानी तुम्हें कौन बताया, इसको आप बोल सकते हैं हु सेड टू यू, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे हु टोल्ड यू। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको इसको ऐसे बोलना है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज़ ही डूइंग क्योंकि वहाँ पर वह लिखा है इसलिए व्हाट इज़ ही डूइंग, किस लिए, व्हाट फॉर, क्या लिखा है, किस लिए, व्हाट फॉर, ठीक है, आपसे बोलेंगे व्हाट फॉर। तुम कहाँ थे, वेयर वेयर यू यानी कि आप कहाँ थे, तुम कहाँ थे, वेयर वेयर यू। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, ओके। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से, मतलब आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू, आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू, तुम्हें मालूम है, डू यू नो, आपको मालूम है, डू यू नो यानी कि पूछ रहे हैं कि क्या एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, मतलब क्या आप एक काम करोगे, डू यू, जैसे यहाँ पर विल यू डू वन थिंग, विल यू डू अ वॉक, ये भी होगा,